हाँ जी, देखो जो कल पढ़ाया था वो लेक्चर तो अपलोड हो जाएगा, उसमें तो कोई खास बात है नहीं। जैसा कि आपको मैंने कल कहा था कि हम लोग आज के जो आधा घंटा बचा है उसमें अपन लोग ये कवर कर लेंगे कि आपने जो अब तक जितना भी पढ़ा था उसको अपन रिकॉल कैसे करें। मतलब कई दिनों से आप पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, आपके पास जो है बहुत कुछ इकट्ठा हो गया बेटे। इवन अकाउंट्स में नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट में भी इकट्ठा हो गया होगा बेटा। अगर पास्ट ट्रेंड को देखें अगर अपने पेपर के, तो जब से CA फाउंडेशन इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तब से क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनता है? मॉड्यूल से। तो ये पहली बात तय हो गई हमारे आज के लेक्चर की कि हम लोग हमारे कोर्स जब भी सिलेबस रिवाइज करेंगे, कम से कम अकाउंटेंसी के बारे में बात करें तो हर एक चैप्टर का, हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने को मॉड्यूल से कवर करना। कोई भी इलस्ट्रेशन छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब पॉइंट ये आता है सर, एक भी इलस्ट्रेशन नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो टाइम बहुत चाहिएगा हमारे। तो इसका एक सबसे आसान तरीका, इजी तरीका यही है, जो आपने इलस्ट्रेशन पढ़ा होगा तो इलस्ट्रेशन पढ़ने के साथ ही अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टिपिकल है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये अपने को कॉपी में एक बार हैंड राइटिंग बोर्ड में इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। तो डेफिनेटली अपन उसका तरीका क्या अपनाएंगे बेटे, प्रैक्टिस करना है, हैंड प्रैक्टिस करनी है, लिखना है अपने को, अच्छे से उसको नोट करना पड़ेगा। जैसे BRS का चैप्टर उठाया तो कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 8 आया, कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 10 आया, बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रॉपर राइटिंग मोड में उसका जो प्रेजेंटेशन क्लास में सीखा है अपन ने उसी मेथड में आप लोग करेंगे। पहली बात आपको समझ में आ गया। जैसे सेकेंड इलस्ट्रेशन पढ़ा, थर्ड इलस्ट्रेशन पढ़ा, वो पढ़ने में ईजी लग रहा था, पढ़ने पढ़ने के साथ साथ ही आपको क्या हो जाएगा, वो कवर अप हो जाएगा कि यार ये तो मैं बोर्ड पे ही और वैसे कैलकुलेटर पे लूंगा और क्वेश्चन पढ़ूंगा, सॉल्यूशन चेक करूंगा, मेरा काम आसान होगा। अब कोई भी चैप्टर आपने उठाया, से आपने BRS ही उठाया, तो BRS ही नहीं कि अपन उसको क्या करने लग गए, सीधे इलस्ट्रेशंस करने लगे, ऐसा नहीं। जैसे अपन लोगों ने नॉर्मल तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो सारी थ्योरी आपको लिखवाई गई थी, तो पूरा चैप्टर की थ्योरी आपके पास अवेलेबल होगी। जैसे फर्स्ट पेज आपने खोला, BRS का मीनिंग लिखा होगा बेटा, हार्डली 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में। सारी थ्योरी वर्ड टू वर्ड आप पढ़िए, पूरी थ्योरी आप पढ़िए, इससे आपको पूरा चैप्टर थियोरिटिकली क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। यहाँ भी BRS एक स्टेटमेंट है, इसलिए बनाया जाता है, एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट होता है, इसमें कैश बुक होती है, पासबुक होती है, फिर आपको कुछ मैंने ड्राॅइंग्स बना के दिखाई हुई है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, सारी कहानी आपको सामने आ जाएगी। आपने क्या कर लिया, इलस्ट्रेशन सारे कर लिए, फिर उसी में सारे इलस्ट्रेशन होंगे तो आपको कुछ एडजस्टेड कैश बुक वाले इलस्ट्रेशन आएंगे। तो एडजस्टेड कैश बुक की भी मैंने आपको क्या लिखवा रखी है बेटे, थ्योरी लिखवा रखी है, तो आप एडजस्टेड कैश बुक की भी क्या लिखेंगे वहाँ पे, जो थ्योरी है उसको एक बार रीड जरूर करेंगे। जैसे ही आपकी वो थ्योरी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, यू आर एबल टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पर आपका ये एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन। पहले ICA मॉड्यूल का हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक क्वेश्चन आपको चैप्टर टू चैप्टर सॉल्व करना है। विल यू डू द सेम? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट सर, आपने इलस्ट्रेशन कर लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर, नाउ एग्जाम में तो ट्रू एंड फॉल्स भी आएंगे, 12 मार्क्स के आते हैं बेटा, 6 स्टेटमेंट आएंगे, ट्रू है कि फॉल्स है उसका अपने को आंसर देना होगा, और थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। ट्रू फॉल्स का प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं अपन लोग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, जैसे अपन ने कल पढ़ा था ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था अपन ने परसों, तरसों पूछा था कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो वहाँ अपन ने पढ़ा कि रिपेयर्स पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटे? तो आपको इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपने आंसर लिखा, ये तो है आपका आंसर, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे क्या इसके? नहीं, आपको फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा, इसका रीजन। तो इसका रीजन आप देखेंगे कि सर किस, अब आपका रीजन ऐसे नहीं कि दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ रीजन। ऐसा नहीं बोलना कि ये तो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सो ये क्या है, फॉल्स, ऐसा नहीं बोलना। क्यों है ये गलत आपको समझाना पड़ेगा, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं कि कहानी लिख दी अपन ने, आसान शब्दों में, साधारण शब्दों में लिखी कि एनी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द असेट इन इट्स यूजफुल कंडीशन इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द असेट, हेंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रटना नहीं है आपको, ये आपके अपने शब्द हैं जो आपने उसको लिख दिए कि भाई किसी भी असेट को
उसे उसकी यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए जो आप खर्चा करते हैं वो किसका पार्ट होता है? कॉस्ट का होता है, इसलिए उसे क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बेटे बात समझ। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि भाई प्रॉफिट अर्नड ऑन कंसाइनमेंट बिलोंग्स टू कंसाइनी, प्रॉफिट अर्नड ऑन कंसाइनमेंट बिलोंग्स टू कंसाइनी, तो क्या कंसाइनमेंट पे होने वाला प्रॉफिट कंसाइनी का होता है कि कंसाइनर का? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? आपने आंसर क्या लिखा बेटे? फॉल्स। अब फॉल्स में क्या रीजन लिखोगे? क्यों कंसाइनर का प्रॉफिट होता है कंसाइनमेंट पे, कंसाइनी का क्यों नहीं होता? करेक्ट। और आवाज सुनाइए मुझे, ओनर आपने भी बोला, आपने बोला, आपके मन में भी आंसर आया होगा कि भाई कंसाइनमेंट पे भेजी हुई गुड्स का मालिक कौन होता है? ही बियर ऑल द रिस्क, ही बियर्स ऑल द एक्सपेंसेस। सो प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू कंसाइनर बट नॉट द कंसाइनी, कंसाइनी गेट्स हिज कमीशन। तो अब स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एम आई क्लियर बेटा? यस सर। मान लो एक थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टू अवॉइड द रिस्क ऑफ बैड डेट्स कंसाइनर प्रोवाइड्स ओवरराइडिंग कमीशन, फॉल्स। तब उसका रीजन लिखेंगे टू प्रोवाइड, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ बैड डेट्स कंसाइनर एक्चुअली पे डेट क्रेडिट कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन इज पेड ऑन द एक्सेस सेल। तो द अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बेटा बात समझना। मान लो कोई ट्रू स्टेटमेंट आया कि जैसे मान लीजिए वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आपने आंसर में क्या लिखा? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और फिर आप आंसर में रीजन में क्या लिखेंगे? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन इज नेसेसरी फॉर यूजिंग द एसेट बिफोर ब्रिंगिंग द एसेट इन यूजफुल कंडीशन, सो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट, हेंस द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा अब आप खुद समझिए ना, मेरी रीजन को खुद के आप समझिए ना कि आप मेरे रीजन से सेटिस्फाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे। तो जब आप मेरे रीजन से आप सेटिस्फाई हो गए तो आपके दिए इन्हीं रीजन से कॉपी चेक करने वाला भी सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? एम आई क्लियर बेटा? वर्किंग आपको जो मैंने ट्रू फॉल्स बताया वो समझ में आ गया? ऐसा नहीं करना, खाली काम नहीं चलाना कि तो फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रू स्टेटमेंट, नहीं। आपको क्या देना पड़ेगा? रीजन। अच्छा रीजन कहानी नहीं लिखने, बता दिया ना, जितना होना होता लिख देना। बुक लाए आप लोग, बुक ओपन कीजिए एक बार। नहीं लाए तो जो नहीं लाए वो सुन ले खाली, जो नहीं लाए वो सुन ले, तो पीछे मुड़ जाएगा। बेटे जैसे मैं चैप्टर वन की यूनिट थ्री में आ रहा हूँ, आप लोग भी आ जाओ। मैंने कहा है ना आपको छोड़ना नहीं है, ये पढ़ना है अच्छे से, घर बैठ के जरूर पढ़ना, कोई डाउट है तो हमें से पूछना। अब थ्योरी क्वेश्चंस अपने को कहाँ से कवर करना? आप देख रहे हैं बेटा पेज नंबर 1.59, पेज नंबर 1.59 पे आइए। आपको नीचे थियोरिटिकल क्वेश्चंस गिवन है बेटा। क्या गिवन है? डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। एग्जाम में, पिछले एग्जाम में एज इट इज इक्वेशन उठ कर आया हुआ। आपने होता क्या, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होता है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ, तो इसके आंसर आप दे सकते हैं। और अगर आपको वापस से रिविजन करना हो तो जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वैसे इन क्वेश्चन के भी क्या होते हैं बेटे? आंसर्स। टर्न द पेज। आपको ट्रू फॉल्स के भी आंसर दिए हुए, देखो ऊपर, और नीचे क्या दिया हुआ है? थियोरिटिकल क्वेश्चन के भी आंसर। आप सोचिए ना, चार चार लाइनों में एक क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? फोर में से फोर मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। अब जैसे अगर अपन लोग अगले चैप्टर पे चलें बेटे, अगले चैप्टर पे अगर आप चलेंगे तो पेज नंबर 1.68 पे आइए एक बार। पेज नंबर 1.68 नीचे नीचे देख रहे हैं आप थियोरिटिकल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? What are the basic consideration in distinguishing between capital and revenue? अपने कॉपी में, अपने किताब में कुछ ये पॉइंट्स देखो, इंपॉर्टेंट बोल के लिखा हुआ है। देखो पेज नंबर 1.62 पे देखिए, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने पॉइंट्स बताए थे, कंसिडरेशन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे, यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। फिर नीचे अब, और अगर आपको किताब में से नहीं ढूंढना किसके आंसर कहाँ है, तो जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर हैं वैसे ही थ्योरी क्वेश्चंस के भी आंसर होंगे ना। तो अब देखो, देखें इनका सॉल्यूशन, देखो आपको पेज नंबर 1.69 पे मिल जाएगा। राइट साइड में देखो पेज नंबर 1.69, नीचे नीचे देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है बेटा।
जैसे छोटे बच्चे थे ना, किताबों के क्वेश्चन पढ़ लिया करते थे, क्वेश्चन के आंसर, उसी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है। कुछ तो आपको याद होगा, कुछ आपको पढ़ने से याद हो जाएगा, कुछ याद नहीं हो रहा है तो 2-3 बार पढ़ोगे तो रट जाओगे, पढ़ने के साथ साथ आपको आंसर याद हो जाएगा बेटे। ठीक है, रेंडमली कोई भी चैप्टर उठा लिया रेंडमली। जैसे मान लीजिए मैंने रेंडमली चैप्टर उठाया और ये अकाउंटिंग प्रोसेस मेरे सामने आ गया, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन ढूंढूंगा, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, अगर मुझे उसका आंसर बहुत अच्छे से पता है तो भी जो सोल्यूशन दिया उसको रीड कर लूंगा, नहीं पता तो मुझे रीड करना ही करना है। अब रेंडमली जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन खोला, अपना चैप्टर खोला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और बाई चांस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर खुले हैं, अब पेज नंबर 2.117 पे आइए, 2.117 होता है ना सर। थ्योरी कहाँ से करें, इलस्ट्रेशन कहाँ से किए थे, बुक में से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से किए थे, बुक में से, तो थ्योरी भी कहाँ से करेंगे, अंडरस्टूड ना। बाकी तो थ्योरी मैंने लिखवाई है, और जो मैंने अभी कहा था कि कोई भी चैप्टर शुरू करें जो मैंने थ्योरी लिखा है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, इन क्वेश्चंस को ही पढ़ लें। अब जैसे पॉइंट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, हाउ डज एरर ऑफ ओमिशन डिफर फ्रॉम एरर ऑफ कमीशन। कुछ तो तुम्हारे को पता है कि एरर ऑफ कमीशन में रिकॉर्डिंग ही नहीं होता, एरर ऑफ कमीशन में रिकॉर्डिंग तो हो जाता है कमीशन में, लेकिन गलत अकाउंट में हो जाता है, पोस्टिंग मिस्टेक हो जाती है, तो खुद तो बड़ा बहुत दिमाग है ना। अब अगर इन क्वेश्चन का आंसर अपने को देखना है तो नाउ चेक द सोल्यूशन ऑफ द आंसर्स। ये आपको सोल्यूशन कहाँ मिल रहे हैं बेटे, जैसे पेज नंबर 2.120 पे आ गया बेटा। जैसे देखो एरर ऑफ ओमिशन में क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा था ना कुछ तो तुमको पहले से ही पता है, पढ़ो देखें क्या है। इफ अ ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली और पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट इट विल बी एरर ऑफ ओमिशन, एग्जाम्पल वुड बी नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ ए क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और नॉट पोस्टिंग एंट्री इन टू द लेजर। ये अपने रेक्टिफिकेशन एरर में गुड सोल्ड टू आर नॉट रिकॉर्डेड टोटल ऑफ परचेज रिटर्न नॉट पोस्टेड टू लेजर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। नीचे देखिए एरर ऑफ कमीशन के बारे में बता दिया, तो यही थ्योरी आपने कॉपी में भी लिखी हुई थी, करेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द रॉन्ग अकाउंट और ए रॉन्ग अमाउंट इज पोस्टेड इन टू द करेक्ट अकाउंट देन देयर विल बी एरर ऑफ कमीशन। तो थोड़ा आपने किसके बारे में बताया, ओमिशन के बारे में, थोड़ा किसके बारे में बताया, सॉल्यूशन बन गया बेटे। उसके नीचे का क्वेश्चन देखें, एरर ऑफ प्रिंसिपल दिया हुआ है बेटा। तो जो भी कुछ थ्योरी स्पेशली अपन जो अपन ने बोल बोल कर नहीं पढ़ा, वो अपन ने डेफिनेटली मॉड्यूल के जो पीछे जो क्वेश्चन होंगे वहां से कवर अप हो जाएगी। जैसे अगला चैप्टर आपको बीआरएस का दिखेगा, एक बार आप इन्वेंट्री वाले चैप्टर पे आओगे, पेज नंबर 4.22, पेज नंबर 4.22 देख रहे हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ स्टॉक। अब जिस दिन आप इन्वेंट्री का चैप्टर रिवाइज करोगे तो आपको थ्योरी लिखवा रखी है उसमें, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री का बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस होता है ना बेटे। इन्वेंट्री के मेजरमेंट प्रिंसिपल, काउंटिंग के दो प्रिंसिपल होते हैं, पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, थोड़ा बहुत याद होगा बेटा। फिर अपन ने मेथड्स पढ़े थे फीफो लीफो है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड आया था, तो मैंने पैराग्राफ में थ्योरी लिखवाई थी, उसको जैसे ही पढ़ोगे तो इलस्ट्रेशन भी समझ में आ जाएंगे और इलस्ट्रेशन करोगे तो थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर नहीं आई हो, याद ना रहे, मॉड्यूल में ठीक इसके क्या दिए हुए बेटे सॉल्यूशन। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, डिस्टिंग्विश बोला हुआ है लीफो फीफो में, फीफो एंड वेटेड एवरेज लिखा हुआ है, और देखो थर्ड नंबर पॉइंट देखो जरा, ये एग्जाम में आया हुआ है, क्या लिखा है, डिफाइन इन्वेंट्री। इधर देखो इन्वेंट्री का चैप्टर जैसे ही खोलेंगे आप लोग, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एन असेट, 3 बुलेट लगाकर आपने पॉइंट्स में लिखे हुए थे। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री ऑन द नेचर ऑफ एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल भी होगा, WIP। What I'm trying to tell you actually, इस जो भी थ्योरी है कुछ तो आपने लिखी हुई है बेटा, कुछ अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ के याद रहेगा कि ये क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज हिस्ट्री रही है थ्योरी के क्वेश्चन एज इट इज उठकर एग्जाम में पूछे। विल यू एबल टू सॉल्व, आगे देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इन प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। कुछ 4 बातें आपको लिखवाई थी, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, लिक्विडिटी एनालिसिस, स्टैचुटरी कंप्लायंस। आपको याद नहीं होगा, मेरे को तो याद है, मैं तो दिन रात पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप जब रिविजन करने बैठेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। टेक द सोल्यूशन पेज नंबर 4.25, नीचे नीचे आ जाइए, एकदम नीचे नीचे दिख रहा है कुछ, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट, यही बुलेट्स बनाकर आपने लिखा हुआ है, और आखिरी में लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री अराइजेज ड्यू टू फॉलोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, थर्ड बेटा लिक्विडिटी एनालिसिस, फोर्थ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस।
आपको उस मीनिंग समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ ना? ये तो थी आपके इलस्ट्रेशंस को करने का और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और थ्योरी करने का तरीका, ठीक है बेटा समझ में आ गया? ट्रू फॉल्स मैंने आपको बता दिया, हर एक बुक में ट्रू फॉल्स गिवन है, सब कुछ आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो ये लास्ट, कोई दो राय नहीं है। तीसरी बार सर हमारा मॉड्यूल हो गया कम्फर्टेबली, हमारा मॉड्यूल हम लोगों ने कर लिया, रिविजन कर लिया हम लोगों, अब आप फिर वेट करेंगे आरटीपी और एमटीपी के लिए। आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी का मतलब होता है मॉक टेस्ट पेपर। ये आईजीए की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा एग्जाम से पहले। आरटीपी जो आएगी वो आप लोग को शेड्यूल मिल जाएगा एमसीसी की तरफ से, तो मैं आपके ऑनलाइन जो क्लास लेगी आप जो आना चाहे वो आ जाए, जो घर बैठे पढ़ना चाहे वो आरटीपी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जब जो भी आरटीपी आएगा उस आरटीपी का जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं क्लास में आपके सामने क्या करूँगा बेटे, एक्सप्लेन करूँगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? एम टी पी मॉक टेस्ट पेपर, जो क्वेश्चन वो जो तीन घंटे का आएगा, 100 मार्क्स का, 120 जो भी कुछ आता है, पूरा का पूरा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो अपने साथ आर टी पी भी पूरी हो जाएगी और एम टी पी भी पूरी हो जाएगी। एम आई क्लियर? चार बातें आपको समझ में आ गई। पाँचवीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कल मैंने बताया था आपको, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको कैसे दिया जाएगा। एप्लीकेशन है मैंने बताया था आपको, जो भी डाउट आया वो डाउट छोटा सा डाउट है, अच्छे से लिखिए, सर मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, प्लीज़ हेल्प मी आउट। अब टॉपिक नहीं समझ में आया तो अगर मेरे पास तरीका है कि मैं उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकूँगा तो आई विल एक्सप्लेन थ्रू ऑडियो नोट वॉट एवर जो भी रहेगा, या फिर मेरे पास कौन सा लेक्चर किस दिन पढ़ाया था उस दिन मेरे पास सब डेटा रिकॉर्डेड है बेटा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ भाई ऐसा मत करना सर, ज़रा ये बताना आपने ये वाला टॉपिक कब पढ़ाया था, मेरे को पढ़ना है सर। ऐसा नहीं, वो तो आपको खुद को पढ़ना ही है, मैं आपको बता दूंगा कि इस डेट पे भैया आपको क्या मिल जाएगा, ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन करते करते डाउट आया, जैसे मान लो रेक्टिफिकेशन का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें यार सेकंड पॉइंट मेरे को नहीं समझा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो क्वेश्चन का फोटो प्रॉपर तरीके से डालना और उसमें लिखना सर एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर टू का पॉइंट नंबर सेकेंड, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की सिचुएशन में रहूँगा। आप खाली डाल देंगे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में तो क्वेश्चन नंबर टू ही है, बहुत सारा पॉइंट है, फिर मैं कहूँगा लेक्चर डेट पढ़ा पढ़ा पढ़ा, आपके क्वेश्चन का जवाब मेरे जैसा ही मिलेगा आप लोगों को, तरीका समझ में। दूसरी बात, मेरे से मान लो मैंने शायद कल लेक्चर बंद होने से पहले बात बोली भी थी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा एप्लीकेशन पे, ऑडियो नोट देने लायक वो क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आप लोगों को उसी एप्लीकेशन पे जवाब दूंगा और समय दूंगा कि बेटा मुझे आप क्या करेंगे इस दौरान कॉल करेंगे। समय देना बहुत जरूरी है क्यों, और जैसे कल आपका बैच मेरा फिनिश हो जाएगा तो आप ही के बैच की जगह मेरा कल दूसरा बैच अलॉट हो जाएगा, तो मैं फ्री नहीं हूँ, आप समझ गए मेरे कहने का मतलब। तो मैं जिस समय के दौरान फ्री रहूँगा वो टाइम पीरियड में आपको उस मैसेज में डाल दूंगा। मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भूलना नहीं, फ़ोन में चाहे तो रिमाइंडर डाल लेना सर से मुझे बात इस पीरियड के दौरान करनी है। अच्छा मैं ऐसे नहीं कहूँगा कॉल मी 5:15, कॉल मी 5:30, ऐसा नहीं, मैं कहूँगा कॉल मी बिटवीन 5 PM to 6 PM। ऐसा नहीं कर ले 5:15 निकल गया तो बस अब तो समय सीमा निकल गई, ऐसा नहीं, 5 से 6 का टाइम दूंगा आपको मैं बेटा, 5 से 6 का टाइम रोज नहीं दूंगा, ऐसे 5 से 6 के बीच में कॉल कर लो। उस दौरान मैं देखूंगा कि मेरे पास जो टाइम मेरे को जो शेड्यूल आता है हमारे पास बन में, उसमें मेरा फ्री पीरियड कौन सा है। आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप क्या कर लें रिमाइंडर डाल लें फोन में, मेरे को सर ने इस समय कॉल करने को कहा था, मैं कॉल कर लूँगा। आइए आपको बात समझ। और इन सभी चीज़ों के तरीके को अपनाने के बावजूद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, एमसीसी आपको मैसेज करवा देगा, फ़ोन करवा देगा कि आप चाहें तो इंडिविजुअली क्या लगवा सकते हैं, फैकल्टी से क्लास लगवा सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर क्लास लगवाने का साइंस कैसे बेटा, धोखे में नहीं रहो इसलिए सारी बात बता रहा हूँ। यार सर से पूछ लूँगा, क्या पूछ लूँगा यार, कंसाइनमेंट का चैप्टर पूछ लूँगा, डाउट क्लास है, आपको समय मिलेगा 1 घंटा, 1 घंटे का थोड़ी चैप्टर है कंसाइनमेंट, चैप्टर तो 10 दिन लगे तो पढ़ाने में मुझे ही लगेगा 10 दिन, तो चैप्टर नहीं, अगर चैप्टर ही पढ़ना है तो यू विल बिहेविंग और अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा के देख लेना। और ऐसा है नहीं कि आपको चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग पढ़े हो क्लास में, कुछ ऑफलाइन पढ़े कुछ ऑनलाइन पढ़े, कोई चलती क्लास से निकल कर दूसरी क्लास में पढ़े, कोई भी तरीका था अपनाया तो था ही ना आप लोगों ने, कुछ ना कुछ तो था ही ना आपके पास तरीका, पढ़ा हुआ तो था ही आप लोगों ने। अगर आपको डाउट क्लास लेनी है तो बेटा 1-2 क्वेश्चन के लिए मत लगवाना डाउट क्लास, फिर आपका समय बचेगा, आपने 4 चैप्टर कर लिए,
रहता है यार मेरे 10-15 डाउट, गिनती के 10-15 नहीं कि अगले 10 नहीं हुए, 9 ही हुए, अब मैं 2 महीना इंतजार करूंगा, जब मेरा 10वां डाउट आएगा तब क्लास लगाऊंगा, ऐसा नहीं। एम्पल नंबर ऑफ डाउट्स आपके इकट्ठे हो जाए, 5 इकट्ठे हो गए, 10 इकट्ठे हो गए, 4 इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े 3-4 डाउट इकट्ठे हो गए, अपनी क्लास लगवाओ, वो आपको मैसेज भेज देंगे कि फैकल्टी का टाइम ये फ्री है, या तो आप ऑनलाइन लगवा लें, अगर आपके लिए ऑनलाइन लेना सूटेबल है ऑनलाइन लगवा लो, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ऑफलाइन आओ, मैं यहाँ मिलूंगा, मैं ही नहीं हर फैकल्टी मिलेगी, मैथ्स की क्लास लगवानी है, इको की लगवानी है, लॉ की लगवानी है, यू विल गेट ऑल द सपोर्ट टिल द एग्जाम्स। बात समझ में आ रही है आपको? व्हाट्सएप नहीं करेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, आपको कोई भी कह दे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं, डू नॉट सेंड मी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, आई वोंट आंसर ऑन व्हाट्सएप। समझ आ रही है आपको मेरी बात? बेटा मोबाइल तो मैं क्लास में ही आपने देखा होगा उठाता नहीं, मैं घर जाने के बाद मोबाइल कहाँ रहता है, मैं कहाँ रहता हूँ आई डोंट नो, तो भी उठता हूँ ढूंढ के ऑफिस ले आता हूँ मोबाइल। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब? थ्रू आउट द डे सारे दिन हम लोग पढ़ाते हैं बेटा, घर जाने में मुझे 1 घंटा लगता है मेरे, जाके पटक दिया, खाना खाया, सो गए। व्हाट्सएप नहीं करना, अपने डाउट्स कहाँ भेजेंगे? एप्लीकेशन पे। मैं व्हाट्सएप देखूँ नहीं देखूँ, एप्लीकेशन जरूर देखूँगा। आ गई आपको बात समझ? यस सर। और चलो यार, डाउट आ रहा है, रात के 11 बजे हैं, फ़ोन कर लेते हैं, फ्री हूँ मैं, पढ़ाई कर दूँगा फ़ोन में घुस के। समझ आ रही है आपको मेरी बात? प्लीज़ टेक द टाइम, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट। ठीक है बेटा? ठीक है, आपको अगर मुझसे कुछ पूछना हो, कोई और मेरे से बात बोलनी हो तो बोलो, फिर आप लोग कल से मिलेंगे नहीं अपन लोग, उनमें कोई चीज़ हो तो बोलिए। क्या बेटे? एक हाँ, मॉक टेस्ट सारे देने, हम लोग जो आपके मॉक टेस्ट लेंगे ना, सारे मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट देने से आपकी क्या होगी बेटे, प्रैक्टिस होगी। आप जितने मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ लेंगे, सारे मॉक टेस्ट में अपेयर रहिएगा, हर मॉक टेस्ट को अच्छे से देना, और कोशिश करना, कंपेयर करना कि मेरा पिछला परफॉर्मेंस कैसा था, मेरा नेक्स्ट परफॉर्मेंस कैसा है। और एक घबराना मत, चाहे मॉक टेस्ट दो और चाहे मेन पेपर दो, है ना। हालांकि वो कहना आसान है कि घबराना मत, उस समय जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सबकी निशाएं हमारे ऊपर ही रहती हैं, तू क्या कर रहा है पेपर में, ऐसे ऊपर रहते हैं ग्रह नक्षत्र, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि घबराएगा वही जिसने पढ़ाई नहीं है। आज मैं तुमसे पूछूं, जरा मुझे कमीशन निकाल के बताओ, ओवरराइडिंग कमीशन कैसे निकलता, तुम घबरा जाओगे क्या? क्यों नहीं घबराओगे, आता है तुम्हें। मैंने कहा चलो मुझे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करके बताओ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से, घबराओगे क्या तुम लोग? अभी तो फिलहाल याद नहीं होगा क्योंकि बहुत पुराना हो गया टॉपिक, लेकिन एक बार क्या कर लेंगे, रिवीजन, तो सब कुछ याद आ जाएगा। नहीं आए तो वी आर सिटिंग हियर, आपको मेरी 4-5 बातें बात सुनने आ गई। आई विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बढ़िया कीजिए, मेहनत कीजिए, ऐसी कोई ताकत नहीं जो मेहनत करने वालों के मार्क्स कम लेकर आ जाए। आप पढ़ाई करेंगे तो आएंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और जितना दूरी मोबाइल से रखोगे ना बेटे एग्जाम्स के पीरियड तक, उतना ही सक्सेस आपके नज़दीक आ जाएगी। ये तो लाइन हो गई यार, ठीक है, मोबाइल से दूरी सक्सेस से नज़दीक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप भी फील करते होंगे, एक बार भी कोई अनाप शनाप एप्लीकेशन खुल गई ना, तो वो स्क्रोल पे स्क्रोल, स्क्रोल पे स्क्रोल होती रहती है। अब मुझे कैसे पता, खाली टाइम में कभी अभी मेरा लेक्चर नहीं था आधा 1 घंटा बैठा बैठा थे, तो स्क्रीन रील पे रील चली जा रही थी, तो पता भी नहीं चला क्या टाइम हो गया। ठीक है, नहीं बेटा, थ्योरी के जो पीछे के क्वेश्चंस है ना हर चैप्टर के, वो ही करनी है, सारी थ्योरी तो पढ़ने का चांस ही नहीं है। हर चैप्टर के पीछे जो मैंने समझाया था ना अभी आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, खाली वो कीजिएगा, उन्हीं में से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कृतिका का क्वेश्चन है, सर वी डू वी हैव टू अटेम्प्ट पेपर विद ब्लैक पेन ओनली? देखो बेटा, आपको क्या पता है पेपर ब्लैक पेन से ही करेंगे, उस समय आपके पास वो पेपर फॉर्म भी तो भरने का आएगा ना, एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरेंगे। जैसे अपन स्कूल में जब पेपर देने जाते थे तो अपने पास इंस्ट्रक्शंस आते थे, सभी इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, और जब भी एग्ज़ाम देने से निकले ना बेटा घर से, प्लीज़ चेक कर लेना कि तुम्हारे पास कैलकुलेटर है कि नहीं। कल को एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए, पता कि हम लोग क्या नहीं लेकर आए, ये 10,000 में से एक लोग के साथ हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात? तो आपको भी ध्यान रखना है कि हम लोग को हर चीज़ कैरी ऑन करके ले जानी है। ठीक है, कल फिर अब कभी मुलाकात होगी आपके RTP MTP में, या फिर कभी मैराथन में, तब मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, ओके 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 बेटा।